हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अमीर बनने के सेकंड स्टेप के ऊपर बात करेंगे, जो कि है खुद को जानना। तो जब तक हम खुद को जानेंगे नहीं, हमें ये नहीं पता होगा क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या हमारे वीक पॉइंट हैं, हम खुद को इम्प्रूव कैसे करेंगे। और जब तक खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम अपने आप को ऐसे लेवल के ऊपर कैसे लेके जाएंगे जहाँ पे सक्सेस हमारा वेट कर रही होगी। सेकंड स्टेप है खुद को जानना और खुद को इम्प्रूव करना। तो लाइफ की ट्रेजेडी कही जानी चाहिए कि कैसे सक्सेसफुल लोगों का रेट 1-2% ही रहता है, जबकि बहुत सारे लोग फेल होते हैं। इसका मतलब हम जिस सिस्टम में बड़े हुए हैं वो इतना कैपेबल है ही नहीं कि हमें सक्सेस की तरफ लेके जा सके। तो हम कुछ 31 ऐसे कॉमन रीज़न की बात करेंगे जो फेलियर की तरफ लेके जाते हैं, और उसमें से जो आपका होगा आप उसको जानिए और उसके ऊपर काम करिए। जब तक बीमारी का नहीं पता होगा हम इलाज कैसे करेंगे। पहला, अनफेवरेबल हेरिडिटरी बैकग्राउंड, यानी कि अगर बाई चांस आपके जीन्स के थ्रू आपके अंदर ऐसी कोई बीमारी आई है जिससे आपका माइंड उतना कैपेबल है नहीं, ये भी एक कारण हो सकता है कि आप बहुत सारे फील्ड में सक्सेसफुल ना बन पाए। तो इसका ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं पर ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता। सेकंड, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पज़ इन लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ में कोई फिक्स मकसद ही ना हो हमारा। जब तक हमें पता नहीं है कि पहुंचना किस तरफ है, हम सक्सेस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हम वहीं खड़े रहेंगे, हम वहीं भटकते रहेंगे। पर जब आपको पता है कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, तो ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आप उस जगह तक पहुँच पाएँ। तो अपनी लाइफ में एक वेल डिफाइंड पर्पज़ रखिए। आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ से क्या चाहिए, ये आपको पता हो। थर्ड है, लैक ऑफ एम्बिशन टू एम अवो मीडियोक्रिटी। बहुत सारे लोग ऐसे सपने ही नहीं देख पाते जो एवरेज से ऊपर उठते हों, क्योंकि भीड़ का हिस्सा रहना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। पर भीड़ में रह के आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं मिल सकती। अगर आपको अपनी एक पहचान बनानी है तो आपको सपने भी अलग देखने पड़ेंगे। फोर्थ है, इनसफिशिएंट एजुकेशन। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो सेल्फ मेड या फिर सेल्फ लर्नर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज की डिग्री या फिर किसी स्कूल में आपको पर्टिकुलर बताया जाए कि इस चीज़ तक पहुंचने का यही एक फिक्स रास्ता है। उन्होंने अपने रास्ते बनाए हैं। कहा जाता है कि आप क्या जानते हैं उसके लिए आपको पे नहीं किया जाता, बल्कि आप क्या करते हैं उसके लिए आपको पे मिलती है। तो अपने आप को एजुकेट करने के तरीके निकालिए। आप किसी कॉलेज की डिग्री, किसी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि वो आपको सब कुछ सिखा देगा जो सक्सेस के लिए ज़रूरी है। अगर आपको अपने रास्ते में चीज़ें चाहिए तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, ये आपको खुद ढूंढना होगा। फिफ्थ, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको पता है कि उस लाइफ तक पहुँचने के लिए आपको कौन कौन से काम करने हैं, और ये इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपको काम पसंद है कि नहीं है। अब चाहे वो काम आपको बोरिंग लगे या आपको एंटरटेनिंग लगे, पर आप हर दिन खुद को प्रिपेयर करते हैं उस काम को करने के लिए। जब तक लोगों में डिसिप्लिन ही नहीं होगा वो इधर उधर भटकते रहेंगे और वो सक्सेस तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। सिक्स्थ है, इल हेल्थ। अगर आप बीमार हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले। कहते हैं कि एक हेल्दी इंसान बहुत कुछ चाह सकता है, पर एक बीमार इंसान सिर्फ हेल्दी होना चाहता है। सेवन्थ, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। हम सबका बचपन काफ़ी अच्छा गया हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारे बचपन में ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत ख़राब होते हैं, और हमारे मन में वो इस तरीके से बैठ जाते हैं कि उनसे निकल पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर वो एक हेल्दी एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका माइंड सेट उस तरीके से हो ही नहीं पा रहा जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए। एट्थ रीज़न, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि काम को टालने की आदत। ये फेलियर के पीछे का सबसे कॉमन रीज़न है। बहुत सारे लोग परफेक्शन के चक्कर में आज शुरू नहीं कर पाते। उनको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारी चीज़ें फेवरेबल होंगी, तब हम एंट्री करेंगे और ये काम कर देंगे, जबकि ऐसा परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। तो प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप रिजल्ट में सेटिस्फेक्शन ढूंढने की बजाय आप अपना बेस्ट देने में सेटिस्फेक्शन ढूंढें। नाइन्थ, लैक ऑफ परसिस्टेंस। कुछ लोगों में जिद नहीं होती काम को करने की। अगर शुरू में कुछ फेलियर आते हैं या वो काम उस तरीके से हो नहीं पाता जैसा हम सोचते हैं, तो उसी टाइम वो छोड़ देते हैं।
ऐसे गिव अप करते रहने से आप उस जगह तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। कोशिश करिए कि आप अपने गोल को उसकी इम्पोर्टेंस के बेस के ऊपर इवेल्युएट करें। 10th है नेगेटिव पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है, यानी कि आप नहीं हो सकता वाले मोड में लाइफ जीते हैं, तो लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, वो आपसे जुड़ना ही पसंद नहीं करेंगे। तो जब अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहाँ पे आपको लोगों का कोऑपरेशन चाहिए होगा, पर आप एक नेगेटिव इंसान हैं, तो आपको कोऑपरेशन कभी नहीं मिलेगा, और ये भी एक फेलियर का रीज़न है। 11th है लैक ऑफ कंट्रोल सेक्सुअल अर्ज। सेक्स एनर्जी बहुत पावरफुल इमोशन है, पर अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए या एक ये बैलेंस्ड ना हो, तो ये भी एक फेलियर का कारण बन सकती है। 12th है अनकंट्रोल्ड डिज़ायर फॉर समथिंग फॉर नथिंग। ये बहुत सारे लोगों में होती है। हम सोचते हैं कि यूनिवर्स हमें सब कुछ दे, हमें लाइफ में सब कुछ मिले, पर उसके बदले में हम पे नहीं करना चाहते। हम अपनी मेहनत, अपना टाइम, अपनी एनर्जी उस चीज़ को देना ही नहीं चाहते। तो जब तक आप अपने अंदर से कोई चीज़ देना नहीं चाहते, आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आपको यूनिवर्स सब कुछ दे। कुछ चाहते हैं उसके बारे में सीखना, उसके लिए नॉलेज लेना, उस चीज़ को जितने टाइम, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो उतना देना। फ्री में कुछ नहीं मिलता। उम्मीद भी उतनी रखिए जितना आप देने के लिए तैयार हैं। 13th है लैक ऑफ अ वेल डिफाइंड पावर ऑफ डिसीजन। जो लोग फेल होते हैं वो डिसीजन बहुत जल्दी बनाते हैं और बार बार उन्हें बदलते हैं, पर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक बार ढंग से सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, उस पर टिकना पसंद करते हैं। 14th है वन और मोर ऑफ सिक्स बेसिक फियर्स। यानी कि लाइफ में हमारे कुछ डर होते हैं तो हमें सक्सेसफुल नहीं होने देते। इसकी हम 3rd चैप्टर में बात करेंगे, जैसे कि गरीब रहने का डर या फेलियर का डर। तो डर भी रीज़न होते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। 15th रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मेट इन मैरिज। यानी कि आपकी शादी अगर किसी गलत इंसान से हो जाए, जिस इंसान से हमारी शादी होनी होती है, इसका मतलब हमारी लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में उस इंसान की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो अगर वो इंसान उतना सही नहीं है, यानी कि वो कुछ नेगेटिव सोचता है, या फिर उस इंसान के साथ आपकी थॉट्स अलाइन नहीं कर पाते, तो इसका असर आपकी लाइफ के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि आप एक ऐसा इंसान चुने जिनके गोल्स आपके गोल से अलाइन करते हों। 16th है ओवर कॉशन। जो लोग रिस्क नहीं लेते उनको उतना ही मिलता है जितना रिस्क लेने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसे फूक फूक कर कदम रखेंगे तो आप टाइम पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपको थोड़ा रिस्क लेना आना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क। 17th है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एसोसिएट इन बिजनेस। अगर आप बिजनेस में सक्सेस की बात करें, तो जैसे शादी में एक सही इंसान का होना ज़रूरी है, वैसे बिजनेस में भी आपका पार्टनर ही इंसान होना ज़रूरी है। अगर आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपके गोल अलाइन नहीं होते, तो हो सकता है कि वो बिजनेस चल ही ना पाए। 18th है सुपरस्टिशन, यानी कि अंधविश्वास। ये भी एक तरीके का डर होता है, गलत होने का डर। बहुत सारे केसेस में तभी होता है जब हम इग्नोरेंट होते हैं। आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है उसके बारे में ज़्यादा जानना शुरू कर दीजिए। जब आप उनसे फैमिलियर हो जाते हैं, आप उनसे डरना बंद कर देते हैं। 19th है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वोकेशन। ये अपने लिए ऐसे करियर या ऐसे पेशे को चुनना जो आप पसंद ही नहीं करते। पहली चीज़ तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होगी, आपके रास्ते में दिक्कत आएंगी। अगर आप पैशनेट नहीं होंगे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा अपने काम में, तो आप उन प्रॉब्लम्स के आगे लटक के रह जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप उनके ऊपर टिकेंगे, आप उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कोशिश करिए आप अपनी लाइफ में वो काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। 20th है लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट। यानी कि जब हमारी कोशिशें उस डायरेक्शन की तरफ नहीं होती जहाँ पे सक्सेस है, अगर आपकी कोशिशें कहीं भी जा रही हैं, उनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो ये भी एक कारण है कि आपको फेलियर मिले। 21st द हैबिट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग। अगर आपको अपने खर्चों का अंदाज़ा नहीं है, तो हो सकता है कि आप गरीबी में आपको लाइफ जीनी पड़े, ये भी एक तरीके का फेलियर ही होगा। 22nd लैक ऑफ एंथुसिज्म। अगर आप जो काम करते हैं, अगर आप उत्साह नहीं है उस काम के लिए, आपको खुशी नहीं होती उस काम को करके, आप
हो रहा है बस हो जाए इस माइंडसेट से काम करेंगे तो आपको सक्सेस तो दूर दूर तक नहीं मिलेगी। 23rd, इनटॉलरेंस, यानी कि आप एक बंद दिमाग के इंसान हैं। अपने दिमाग में नई थॉट्स को एंटर करना और पुरानी थॉट्स को चैलेंज करना अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता, ये भी एक रीज़न होगा कि आपको सक्सेस ना मिले। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फ़िलहाल आप जिस माइंडसेट में हों वो उतना सफिशिएंट हो कि आपको वहाँ तक लेके जा सके, कि आपको सक्सेस तक लेके जा सके। तो अगर कहीं आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत पड़ी, आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ी, पर आप रिजिड हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे और सक्सेस तो फिर मिलने से रही। 24th है इनटेम्परेंस, यानी कि आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस में नहीं है। आप खाने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, आप नहीं खाते तो आप बिल्कुल नहीं खाते। ये एक्सट्रीम होना भी सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाता। 25th है इनएबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर्स, अगर में अपने आसपास के लोगों से कोऑपरेट करने की क्षमता नहीं है, आप उनसे कोऑपरेट नहीं कर पाते, आप अपने विचारों को अपने दिमाग को उतना खोल नहीं पाते, आप सामने वाले के ओपिनियंस को नहीं सुन पाते। अगर आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे आपको लोगों के कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर आप कोऑपरेट कर नहीं पाते तो आप फेल ही होंगे। 26th है पोजिशन ऑफ पावर दैट वॉज नॉट एक्वायर्ड थ्रू सेल्फ एफर्ट, गरीबी से खतरनाक क्या हो सकता है, जल्दी अमीर बनना। अगर आपको कोई पोजिशन आप बिना आपकी मेहनत के मिले, आप बिना एफर्ट के अगर आपको कुछ मिल गया, अगर आप उसके लायक नहीं होंगे तो आप उस पोजिशन के ऊपर टिक भी नहीं पाएंगे, तो ऐसे सक्सेस को बहुत जल्दी जाएगी। 27th है इंटेंशनल डिसऑनेस्टी, यानी कि अगर आप अपने काम के लिए ईमानदार नहीं हैं आप, तो आप फेल होंगे। 28th ईगो एंड वैनिटी, अगर आप में ईगो है तो लोग आपके साथ अलाइन नहीं कर पाएंगे। आपको इतना हम्बल तो लाइफ में होना चाहिए कि आप सबके साथ बैठ पाएं और जब आप उठें तो कोई और ना बैठ पाए। 29th गेसिंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, अगर आप लॉजिकली थिंक नहीं कर सकते, बस आप तुक्का मार के लाइफ जी रहे हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा ये कर लेते हैं मे भी सक्सेस मिल जाए, तो चांस है कि सक्सेस ना ही मिले। आप सोचिए, प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजिक रहिए, आपको सक्सेस तब मिलेगी। 30 लैक ऑफ कैपिटल, ये भी एक कॉमन रीज़न है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर आपके पास उतने पैसे नहीं है, हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले। 31st, या इसके अलावा जो भी आपके पर्सनल रीज़न हैं वो आप 31st में रख सकते हैं, जैसे कि बहाने बनाने की आदत। 31st ऐसे कॉमन रीज़न हैं फेल होने के पीछे। आप अपने रीज़न पहचानिए इनमें से, एक बार आप अवेयर होते हैं कि अच्छा दिक्कत ये है, ये बीमारी है, तो आप सॉल्यूशन की तरफ भी जल्दी बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे बी ये वैल्यूबल रहा हो आपके लिए। सब्सक्राइब टू द चैनल और जुड़े रहिए अगले वीडियोस के लिए। थैंक यू।